भारत अपने आप में एक अद्भुत देश है और इस अद्भुत देश में आस्था के इतने अनेक अनुपम और अद्भुत दृश्य हमको देखने को मिलते हैं जो मेरे ख्याल से इस देश के सिवा कहीं नहीं हो सकते हैं। और अभी तो जब भी हम जहां तक नज़रें जाती है आस्था का एक सागर उमड़ता दिखाई देता है सड़कों पर। हाँ, वो तमाम श्रद्धालु जो इन दिनों रामदेवरा की यात्रा पर निकलते हैं, बस में, कार में, बाइक पर, साइकिल पर, पैदल, हर एक स्वरूप में प्रभु रामदेव जी के द्वारे ये लोग जाते हैं, उसी में एक नया एक स्वरूप हम आज देखते हैं। और जब इस स्वरूप को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोगों से उस स्वरूप को रूबरू करवाने के लिए। ये एक बिल्कुल जैसा ऐसा लगता है रामदेव जी का मंदिर हो, जिस पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से रामदेव जी की प्रतिमा विराजित है, साथ ही जो हमारी ज्योत प्रज्वलित हो रही है उसके साथ साथ बड़े ही मधुर संगीत के माध्यम से तमाम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए। आप सब लोग कहाँ से आ रहे हो पहले तो मेरे को ये बताओ। दाहोद से आ रहे हैं। दाहोद गुजरात से। तो लीमड़ी गाँव। हाँ, लीमड़ी गाँव। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण भाई गारी। लक्ष्मण भाई, तो लक्ष्मण भाई रामदेव जी से मिलने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये कैसे आपने किया कि यार हम इस तरह से एक झांकी के तरह 7 साल से ऐसे चल रहे हैं। 7 साल से ऐसे जा रहे हो? 7 साल से। रामदेवरे से अपना ये आपका गांव कितना दूर है, कितने किलोमीटर? 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। आप आज 18 तारीख आप निकले कब वहाँ से? 11 तारीख को रात को निकले हम। 11 तारीख को आप कितने लोग एक साथ निकले? हम टोटल 50 लोग हैं। 50 लोग निकले आप। और अब आपको आगे कितने दिन लगने वाले हैं, कितने दिन में आप पहुँच जाओगे? और 7 दिन लगेंगे। 7 दिन में आप पहुँच जाओगे। तो ये कैसे विचार आया कि यार ये थोड़ा हम अब पैदल यात्री तो जाते ही है मगर हम ये अलग तरीके से जाएंगे, इस तरह से मंदिर बना के? आगे भी हम लेकर जाते थे लेकिन इस बार हमने कुछ नया सोचा और नया रथ लेके आगे भी रथ लेके ही जाते थे। अच्छा, लेकिन इस बार दूसरा बनाया हमने रथ। अच्छा, दूसरा बनाया? हाँ, नया बनाया। मेरे को ये बताओ कि आप ये लेके जाते हो तो वापस आने का फिर कैसे रहता है? वापस तो हम फिर गाड़ी में लेके आ जाते हैं। गाड़ी में लेके आ जाते हो। तो ये जो पूरा बनाया है इसको, ये पूरे आपके जो ग्राम है पूरे गांव के माध्यम से बनवाया गया है या कैसा क्या है? समाज से। आप माली समाज। अच्छा, आपका समाज के माध्यम से बनवाया गया है। तो ये देखिए, इस मैं थोड़ा सा एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि ये तमाम जो साथी जा रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से, तो ये इन्होंने पूरा ये मंदिर बना रखा है एक इस गाड़ी पर। जब मैं इनको देखा तब बड़े मस्ती से डांस वांस करते हुए शानदार तरीके से गाने बजाते हुए जा रहे थे। और इसमें एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि दूसरे जो रामदेवरा के यात्री जाते हैं वो मैंने देखा कि यहाँ आते हैं और इनकी जोत से बबूत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर वो भी आगे बढ़ते हैं। तो ये यकीन मानिए पूरे रास्ता जो ये आस्था का एक ज्वार चलता है, उस ज्वार में न केवल प्रभु रामदेव जी से मिलने जा रहे हैं मगर ऐसा लगता है कि रामदेव जी को रामदेव जी से मिलाने जा रहे हैं। और इस यात्रा में रामदेवरे के जाने वाले तमाम यात्री मिलते हैं, इस यात्रा में हम जैसे तमाम श्रद्धालु भी यहाँ के दृश्यों के माध्यम से उस मेले से सीधा जुड़ जाते हैं। तो आस्था के और भी दृश्य हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर आपके पास लाए। आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, मैं मंदसौर ज़िले से 2 साल से चल रहा हूँ पैदल नंगे पैर जी। मैं बाबा के यहाँ दर्शन करने आस्था से जाता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ दूर ऊंचे पुलची सब दूर हो जाती है बबूत लगाने से। अच्छा, कहाँ भी बाबा के मंदिर पर जाके दर्शन कर नमन करके बबूत लगा लो। अभी गाड़ी के साथ ही है? नहीं बाबा, हम तो मंदसौर जिला सीताम तहसील चिकला गांव का रहने वाला। देखिए आस्था के रंग देखिए, राजस्थान में खड़े हैं, एक गुजरात की गाड़ी है, ये मंदसौर से आए हैं। न केवल ये मंदिर इन हम सभी को जोड़ रहा है बल्कि रामदेवरे में विराजे हुए प्रभु रामदेव जी हम सभी को इसी प्रकार से एक दूसरे से जोड़ते हैं। आप भी जुड़े रहे राज संबंध एक्सप्रेस से। धन्यवाद।